कचरे की भट्टियों पर चला पुलिस का चाबुक। मुरादाबाद पुलिस ने आज ई कचरा जलाने वाली अवैध भट्टियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए भोजपुर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरे के साथ तीन लोगों को हिरासत में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण की जद में आए जनपद मुरादाबाद को देश के नक्शे में चमकाने वाली ई कचरा भट्टियों के खिलाफ आज से मुरादाबाद पुलिस ने कमर कसते हुए एक अभियान छेड़ दिया है। आज एसपी सिटी अमित आनंद की अगुवाई में जनपद के भोजपुर थाना, कटघर थाना और मुगलपुरा थाना सहित चार थानों की फोर्स ने भोजपुर में एक सर्च अभियान चलाते हुए ई कचरा जलाने वालों पर धावा बोल दिया। पुलिस को चेकिंग के दौरान 5 ई कचरे की भट्टियां चलती मिली जिनमें से दुर्गंध भरा धुआं निकल रहा था। पुलिस ने इन सभी भट्टियों से भारी मात्रा में ई कचरा भी बरामद किया है और मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। टीम लीडर एसपी सिटी अमित आनंद ने इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी भोजपुर क्षेत्र में ई कचरे की अवैध भट्टियां चल रही हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। आज कई थानों की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ और लोगों के खिलाफ भी FIR की जा रही है। दौरा करा ई कचरे के उपलब्ध में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भोजपुर एरिया में ई कचरा जलाया जा रहा है, तो इस सूचना पे एक्ट करते हुए भोजपुर, मुगलपुरा और कटघर पुलिस के साथ हम लोग यहाँ पे जलाया जा रहा था, वहाँ पे छापे मारा गया। यहाँ पे 5 घरों को छापे मारे गए, 5ों में ई कचरा जलाने के अवशेष तथा 3 घरों में जलती हुई भट्टियाँ प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कार्रवाई करते हुए यहाँ पे 3 लड़कों को जो इस क्षेत्र में एक्टिव थे उनको पकड़ा गया, कुछ लोग फरार हो गए, सभी पर मुकदमा लिख के आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये कब तक चलता रहेगा ये ई कचरे को उपलक्ष्य में? ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और NGT के भी ऑर्डर्स हैं कि ई कचरा और इस तरह के जितने कार्य हैं इससे प्रदूषण बहुत फैलता है और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, तो इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। जो अवैध रूप से ई कचरा जला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये न सिर्फ आम जनता के लिए हानिकारक है, इसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। धन्यवाद।